hello everyone my name is rashmi samant and today i will discuss about the topic leprosy leprosy is an infectious disease definition leprosy is a disease mainly caused by the bacterium mycobacterium leprae जो लेप्रोसी होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टेरियम लेपरोही के इन्फेक्शन की वजह से होता है विच कॉज डैमेज टू द स्किन एंड द पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर देता है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर देता है एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टेरियम लैप्रेही ये एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि कॉज होता है माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रेई की वजह से जो कि एक एसिड फास्ट रॉड शेप बेसलेस होता है एंड मेनली अफेक्टिंग द स्किन पेरिफेरल नर्व म्यूकोसल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इस टर्म लेप्रोसी एंड हैंसन डिजीज और ये बेसिकली हमारी स्किन को पेरिफेरल नर्व्स को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोसल सरफेस को अफेक्ट करता है और इसीलिए हम इसको लेप्रोसी या फिर हेंसिन डिजीज भी बोलते हैं टाइप्स लेप्रोसी बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टाइप्स का होता है फर्स्ट है इंटरमीडिएट लेप्रोसी इसमें फ्लैट लेजन होते हैं जो कि खुद से ही हील हो जाते हैं नेक्स्ट है ट्यूबक्रोसिस लेप्रोसी इसमें लार्ज और एनेस्थेटिक लेजेंस होते हैं और ये बेसिकली नर्व्स को अफेक्ट करते हैं जिस वजह से जो नर्व्स का फंक्शन हो जाता है वो लूज़ हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा थिकेंड हो जाती हैं थर्ड है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी इसमें जो लेजेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और न्यूमरस होते हैं न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा लेजेंस एक साथ पे इकट्ठा हो जाएंगे नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लेजन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्लेग एंड नोड्यूल्स इसमें जो लेजेंस होते हैं वो न्यूमरस होते हैं और ये नोड्यूल्स या फिर प्लेग कंडीशन भी बना देता है नेक्स्ट है मिड बॉर्डर लाइन लेप्रोसी प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस एज वेल एज डिफाइंड क्यूटेनियस लेजेंस इसमें न्यूमरस और क्यूटेनियस लेजेंस दोनों ही तरीके के लेजेंस होते हैं इथियोलॉजी इट इज कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बेसली माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रेही एंड माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रोमेटस ये बेसिकली एसिड फास्ट बेसली की इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि है माइक्रोबैक्टेरियम लेपरेही या फिर माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रोमेटस इट इज ए मॉडरेटली क्वांटाजनस बैक्टीरियम एंड ट्रांसमिशन रिक्वायर प्रोलॉन्ग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए इंफेक्शियस इंडिविजुअल ये बेसिकली एक मॉडरेटली क्वटाजिनस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की, की वजह से होता है और इसका ट्रांसमिशन अगर कोई भी इन्फेक्शन वाले पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है तो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेपरूसी इज अप टू फाइव ईयर्स फॉर द ट्यूबोकोलॉइड ट्यूबोकोलॉइड फॉर्म के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है लेप्रोसी का वो पाँच साल तक होता है और लेप्रोमेटस फॉर्म के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बारह साल तक होता है लेप्रोसी का साइन एंड सिम्टम द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर स्पॉट ऑन द स्किन जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है स्किन में स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि स्लाइटली रेड कलर के होते हैं या फिर डार्कर कलर के भी हो सकते हैं या फिर हाइपो पिगमेंटेड कंडीशन होती है हाइपो पिगमेंटेड का मतलब होता है कि जो हमारे स्किन का कलर हो, होता है उससे लाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं कुछ अदर साइन एंड सिम्टम्स हैं लेप्रोसी के केस में कि फेडेड और डिसकलर्ड स्किन हो जाती है हमारी जो स्किन हो जाती है उस वो फेड हो जाती है लेजेंस पड़ जाते हैं घाव बन जाते हैं स्किन में ग्रोथ हो जाती है जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है थिक हो जाती है या स्टिफ हो जाती है अलग अलग एरिया में पेन होने लगता है जो भी स्किन के अफेक्टेड एरियाज होते हैं उसमें नंबनेस हो जाती है मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है आई प्रॉब्लम हो जाती है नोज़ ब्लीड हो जाता है अल्सर या फिर सोर हो जाते हैं पैरों में पैथोजेनेसिस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेज़ जो होता है वो बॉडी में एंटर करता है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बाद जो हमारा बेसलस होता है वो माइग्रेट करता है और वो न्यूरोल टिश्यू या फिर स्क्वाइन सेल में जाके के कॉज करता है ये बेसिकली नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं यहाँ पे इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बारह से चौदह दिन का होता है जिसमें जो बेसिली होता है वो मल्टीप्लाई करता है स्लोली जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो जो बैक्टीरिया लोड हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा और बैक्टीरिया अगर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में हो जाएगा तो वो जो सेंसेशन होता है उसको इम्पेयर कर देता है या स्किन पैचेस कॉज कर देता है जिस वजह से जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है बॉडी की उसको वो सप्रेस कर देता है और लेप्रोसी कॉज हो जाती है डायग्नोसिस इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पेशेंट और द साइन एंड सिम्टम्स आर इसमें हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया था और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं बेसिकली जो साइनल सिम्टम्स होते हैं उसमें पिगमेंटेड और रेडिश स्किन लेजिन होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशन कॉज हो जाता है उस वजह से और इन्वॉलमेंट ऑफ पेरीफेरल नर्व्स की वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं हाथ की उसमें वीकनेस हो जाती है या फिर फेस और फीट की मसल्स में भी वीकनेस हो जाती है इसके अलावा कुछ लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं जिसमें पहला टेस्ट है लिप्रोमाइन टेस्ट ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होता है फॉर लेप्रोमेटस लेप्रोसी के लिए इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ज़ीरो पॉइंट वन एम एस सस्पेंशन लेते हैं किल्ड बेस्ली का और उसको स्किन के अंडर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका बहत्तर घंटों के बाद रिस्पॉन्स देखते हैं जिसको हम लोग फर्नांडिस रिएक्शन बोलते हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें प्रीवियस एक्सपोजर तो नहीं हुआ है माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रेही का नेक्स्ट जो टेस्ट है वह है टिश्यू स्किन सीरम टेस्ट इन दिस टेस्ट ए फोर टू फाइव एम एम लॉन्ग सुपरफिशियल इंसिजन इज मेड इन द अफेक्टेड एरिया द एयर लोब्स नेजल स्पेक्ट्रम और स्किन विद ए शार्प ब्लेड टू ऑप्टेन ए क्लियर सीरियस फ्लूड फ्रॉम द लेजन इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं जो भी अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल एयर लोब हो गया या नेजल स्पेक्ट्रम हो गया या फिर स्किन हो गया वहाँ पे हम लोग एक सुपरफिशियल इंसिजन बनाते हैं चार से पाँच एम एम लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड और जो भी क्लियर सीरस फ्लूड होता है उन लेजेंस में से उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं ग्लास स्लाइड में गर्म करते हैं और स्टेन करते हैं जेल नीलसन एसिड फास्ट मेथड के थ्रू ट्रीटमेंट सेवरल ड्रग्स आर यूज इन कॉम्बिनेशन इन मल्टी ड्रग थेरेपी इन द केस ऑफ लेप्रोसी हम लोग अलग अलग तरीके की ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी में दीज ड्रग्स शुड नेवर बी यूज एलोन एज मोनोथेरेपी फॉर लेप्रोसी इन द केस ऑफ लेप्रोसी इन मेडिकेशंस को कभी भी सिंगल नहीं देन, देना चाहिए मतलब मोनोथेरेपी में नहीं देना चाहिए फर्स्ट है सिक्स मंथ रेजिमिन फॉर प्यूसी बेसलरी लेप्रोसी इस केस में हम लोग डेप्सॉन देंगे हंड्रेड एम और रिफाम्बिसिन देंगे सिक्स हंड्रेड एम फॉर एडल्ट पचास से सत्तर के जी वेट के लोगों के लिए नेक्स्ट है ट्वेल्थ मंथ रेजमिन फॉर मल्टी बेस्लरी रेप्रोसी इसमें हम लोग रिफाम्बिसिन देंगे छः सौ एम जी क्लोना जिमाइन देंगे पचास एम जी फॉर एडल्ट फिफ्टी टू सेवेंटी के जी सिंगल लेजन प्यूसी बेसिलरी लेप्रोसी वन टाइम डोज फॉर थ्री मेडिकेशन टेकन टुगेदर इसमें हम लोग ये एक टाइम डोज दी जाती है और इसमें हम तीन मेडिकेशन को एक साथ लेते हैं वो है रिफाम्बिसिन 600 सौ एम जी ओफ्लॉक्सोसिन चार सौ एम जी और मोनोसाइकिल सौ एम जी फॉर एडल्ट फिफ्टी टू सेवेंटी के जी पचास से सत्तर के जी के लोगों में हम ये तीन मेडिकेशन एक साथ देते हैं प्रिवेंशन इन द केस ऑफ़ लेप्रोसी जब भी हमें कॉमन से सिम्टम्स नज़र आएंगे या स्पॉट्स नज़र आएंगे तो हमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना होगा उसका उसके लिए हम लोग बी सी वैक्सीनेशन लगाएँगे और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे क्योंकि जो लेप्रोसी होती है वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है इसके लिए हमें प्रोटेक्टिव फूड वेयरिंग प्रोसेस अपनाना चाहिए नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ़ लेप्रोसी हेयर लॉस हो जाता है पर्टिकुलरली आईब्रो या आई वाले एरिया का परमानेंट नर्व डैमेज हो जाती है आर्म या लेग्स की ग्लूकोमा कंडीशन हो जाती है किडनी फेलियर हो जाता है क्रोनिक नेजल कंजेक्शन हो जाता है और जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उनमें इनेबिलिटी हो जाती है मतलब स्किन डैमेज होने की वजह से वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं थैंक यू